किसान बनने से पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारा टीचर था संबंधनाथ हिंदू, तो वो काजा साहब की बहुत तारीफ करता था, तो हमें उसने छुट्टी दे दी कि काजा साहब आ रहे हैं जैकबाद। जज्बा इस कदर ज़बरदस्त था कि बयान से बाहर है, और लोग जो थे वो समझें कि बिल्कुल मैट थे पाकिस्तान जाने के लिए। हर तरफ ब्लड बाथ, आग, लूट, यही मास हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। न कपड़ा, न लत्ता, न खाने को, न पीने को, टेंट्स में रह रहे हैं, लेकिन जो जज्बा था, जो लव थी पाकिस्तान के लिए, सेक्रीफाइस के करने के लिए, किसी की ज़बान में कोई शिकवा शिकायत कि हम लुट गए, पिट गए, ऐसी कई उबादी, पाकिस्तान जिंदाबाद के बड़ा ही ज़बरदस्त तबीयत खुश होती थी कि जो जहाँ चले जाएँ यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान। जब ये ऐलान हुआ पाकिस्तान का, तो ये तय कर लिया था कि उन्हें चले जाना है यहाँ से। मुश्किल ये थी कि आपके बड़े बरसों के, सदियों के घर हैं, वो कैसे आप छोड़ देंगे। बहुत ही हम लोग खुश थे कि हम पाकिस्तान आ गए। मैं तो खैर, क्या हमारे वालदैन, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेइंतहा खाना, बेइंतहा चावल, बेइंतहा दूध, दुनिया की चीज़ें लेके वो आ रहे थे। बड़ी मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें थी। सादा अगर पकौड़े भी थे तो उनमें वो उनकी तवज्जो और उनकी मोहब्बत की मिठास थी मौजूद। और मोहब्बत और जज्बा ये था कि पाकिस्तान आ गए। मैं कोई 10-12 मुल्क गया हूँ, मैंने इतने फल नहीं देखे जितने पाकिस्तान में पैदा होते। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लाइफ स्टॉक है, सब कुछ है, तो इसी को डिवेलप करना है ना हमको। बेटा तुम जद्दोजहद पे कायम रहो, ईमानदारी से करो, और ये मुल्क अब तुम्हारा है, अब तुम्हारे हाथों में है, तुम इस मुल्क को आगे बढ़ाओ, उस कुर्बानी का ख्याल करो। तुम्हें वो दिखाना है कि कितना भी हमें ख़त्म कर दो, हम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, हमेशा कायम और दायम रहे।